हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने बालों को किस तरीके से आप दुगनी तिगनी तेजी से लंबा कर सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो उन्हें भी आप झड़ना रोक सकते हैं। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो उन्हें भी आप नेचुरली काला कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी टिप मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, हर कोई चाहता है उसके बाल लंबे, गले सुंदर हो, हेल्दी हो, शाइनी हो और वो अट्रैक्टिव और सुंदर दिख सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि हमारे गलत खानपान और हमें समय नहीं मिलता है कि हम अपनी डाइट का अच्छे से ध्यान रख सकें, क्योंकि हमारी लाइफ आजकल बहुत ज्यादा भागदौड़ और बिजी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक बहुत ही नेचुरल तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने बालों को दुगनी तिगनी तेजी से लंबा कर पाएंगे और अपने डैमेज बालों को रिपेयर कर पाएंगे, यानी कि झड़ते बालों को रोक पाएंगे और सफेद बालों को भी काला कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले इस नुस्खे में जो हम यूज करेंगे वो है दोस्तों दही। दोस्तों, दही में इसके अंदर यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने अंडे का प्रयोग किया था, लेकिन काफी लोगों को अंडे से प्रॉब्लम होती है, जैसे कि उन्हें स्मेल उनकी पसंद नहीं होती है और कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं जो अंडे का यूज नहीं करते हैं। तो स्पेशली ये वीडियो उन लोगों के लिए क्योंकि उन लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कोई बिना अंडे के कोई वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, उसके लिए अंडे जो अंडा पसंद नहीं करते उनके लिए ये नुस्खा है, दही का प्रयोग करें। तो इसके अंदर हम लेंगे 2 चम्मच दही। ये देखिए दोस्तों, 2 से थोड़ा ज्यादा हम इसके अंदर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप भी इसमें ले सकते हैं। तो दूसरी चीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे वो है दोस्तों आंवला पाउडर। ये देखिए दोस्तों, अगर आपके घर में आंवला, सूखा आंवला है तो उसमें से भी आप पाउडर, उसे पीस कर उसका पाउडर तैयार कर सकते हैं और वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लेंगे दोस्तों 1 चम्मच के करीब आंवला चूर्ण। ये देखिए, इस तरीके से 1 चम्मच के करीब आंवला चूर्ण हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और तीसरी और आखिरी चीज हम इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके लिए वीडियो में आप बने रहिएगा दोस्तों, वो है बादाम का तेल। ये देखिए दोस्तों, बादाम के तेल में भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है जो हमारे बालों को बढ़ने में, झड़ते बालों को रोकने में, बालों की जड़ों को मजबूत करने में और सफेद बालों को काला करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। फ्रेंड्स, बादाम का तेल एक वरदान की तरह हमारे बालों में काम करता है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे दोस्तों 2 चम्मच बादाम का तेल। ये देखिए दोस्तों, 2 चम्मच के करीब हम इसके अंदर बादाम का तेल ले लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, हमने 2 चम्मच के करीब हमने इसके अंदर बादाम का तेल ले लिया है। अब हमारा नुस्खा लगभग बनकर तैयार हो चुका है, बस अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब हम इसे 15 से 20 सेकंड के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों, ये मिक्स हो चुका है। मिक्स होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब आपको लगाना किस तरीके से ये मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है, ये हफ्ते में आपको 2 बार लगाना है। आपको करना क्या होगा, आपको नहाने से 1 से 2 घंटे पहले अपने बालों में इसको अप्लाई करना है और इसकी अपने बालों की जड़ों में 15 मिनट तक मसाज करनी है और सिरे तक इसे अच्छे से लगा लेना है। ऐसा करने के बाद घंटे से 2 घंटे के लिए, यानी कि 1 से 2 घंटे के लिए इसे अपने बालों में यूं ही लगे रहने देना और किसी कपड़े से अपने बालों को ढक लेना है ताकि आपके बालों में ये अच्छे से समा सके। ऐसा करने के बाद में आपको शैम्पू कर लेना है। दोस्तों, ऐसा करने से आप देखेंगे कि 1 से 2 हफ्ते बाद, यानी कि 3 से 4 बार लगाने के बाद आप देखेंगे आपकी बालों की लंबाई बढ़ने लगेगी। आप फर्क खुद ब खुद देख पाएंगे और जो लंबाई बढ़ेगी आपको खुद भी यकीन नहीं होगा। साथ ही साथ आपके बालों का झड़ना रुकेगा, साथ ही साथ आपके जो सफेद हो रहे बाल वो रुकेंगे, यानी कि आपके बाल फिर से काले होने लगेंगे और हेल्दी हो जाएंगे। तो इस तरीके से नुस्खा वर्क करेगा और आपके बालों को फिर से आप हेल्दी कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर ये आपको नुस्खा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस नुस्खे को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इस नुस्खे से फायदा उठा सके। और जाते जाते अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।